कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले दो सगे भाइयों के साथ गांव के रहने वाले लोगों द्वारा बुरी तरह मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित भाइयों ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। सर में पट्टी बांधकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह दो सगे भाई हैं जो कि प्रेम प्रकाश पुत्र लाला राम निवासी चितरपुर थाना गोथा के रहने वाले हैं। 7 फरवरी के दिन शाम के समय वह अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी गांव का रहने वाला पुनीत सिंह पुत्र मिलन सिंह उसके गेट पर गाली गलौज करने लगा और उसे जाति सूचक गालियां भी देने लगा। उसके दरवाजे पर ही उसकी माँ शकुंतला देवी और उसकी भाभी रीता देवी भी मौजूद थी। इन लोगों ने जब गाली गलौज का विरोध किया तो पुनीत के पक्ष में सुजीत पुत्र मिलन सिंह पुत्र बाबू सिंह सत्यम पुत्र राजू सिंह द्वारा उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। और जब उसको बचाने के लिए जब उसका बड़ा भाई रजनी सिंह और माँ शकुंतला भाभी रीता देवी आई तो इन लोगों के साथ भी मारपीट की, जिससे उसके भाई रजनीश के सिर में काफी चोटें आई हैं। गांव के अन्य लोगों का शोर सुना तो यह लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने थाने पर शिकायत दी थी तो थाने पर उसकी सुनवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायत पत्र दिया है और कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अब एसपी कार्यालय आए, क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है, ये मिलाप सिंह हमको मारते हैं और जाति सूचक जमा मेरी माँ को सबको गाली देते और कोई बात करो ये धमकी देते। हमारी कल से 700 रिपोर्ट हुई है, कोई अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई हम सोचते हैं हमें कार्रवाई आनी पड़ेगी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मैनपुरी चित्रपुर गाँव है, पोस्ट मैन पोस्ट हम होता है। और इससे मारपीट वो कहाँ के रहने वाले? वो भी मेरे गांव के ही, चित्रपुर के ही, वो चौहान है। मारपीट कब? मेरी कल हुई है 5 बजे। रिपोर्ट लिखाने गए थे थाने? हाँ हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं बोला है, बोला कि हो जाएगा, अभी कल से कोई सूचना नहीं। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई कार्रवाई।